अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की धरपकड़ जारी है। वहीं पटना सिटी के आलमगंज थाना की पुलिस ने अलग अलग इलाके से 5 अपराधी को 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही बाइक को भी जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि गश्ती के दौरान बजरंगपुरी इलाके में बाइक सवार 2 संदिग्ध को देखा गया, जहां पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की पर दोनों भागने लगे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल को बरामद किया है। आर्म्स में 2 गिरफ्तारी है, 1 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल उसके साथ बरामद की है। एक का नाम है अमन कुमार उर्फ MT जो रहने वाला है ये दादर मंडी का, और दूसरा ये प्रिंस कुमार ये रहने वाला है सादिकपुर का। उसके अलावा दो गिरफ्तारी, ये चोरी टेंट उनका सामान चोरी कर रहा था उसमें 2 गिरफ्तारी है, और 1 गिरफ्तारी है ये शराब पी करके हंगामा कर रहा था, 1 गिरफ्तारी। इन लोग को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है सर? ये आर्म्स एक्ट में आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया है, ये बजरंगपुरी शनि मंदिर के पास, और ये जो टेंट वो सामान चोरी कर रहा था उसको अर्थाबाद नहर बरामद किया गया है। पहले भी अपराध कर पहले भी अपराधी ये दोनों जो आर्म्स पकड़ाया है ये 2020 में अगम कुआं में लूट के केस में जेल जा चुका है।